जिंदाबाद 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 जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद 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 साहब बुखारी जिंदाबाद 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 साहब बुखारी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। जिनकी पहली रखवाली और पहली कुर्बानी भी आप ही देते हैं, ये कोई नहीं समझता। शायद दिल्ली में बैठे हुए लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको क्या पता है कि कुर्बानी किसको कहते हैं। कुर्बानी खाली जान देने को नहीं कहते हैं, कुर्बानी बहुत तरीके से होती है। कुर्बानी जैसे अभी सुना रहे थे मंजीत जी, ये हमारा अपना MLA नहीं, हमारा अपना WO वर्कर नहीं, हमारी आशा वर्कर नहीं, हमारा कोई गाँव का नाम नहीं। बहरहाल ये सियासत ऐसी थी 72 साल 75 साल, शायद एक झटका जरूरी था। एक भूचाल 5 अगस्त 2019 को आया, इस भूचाल ने काफी कुछ अपने साथ लिया। कहते हैं ना, भूचाल इतनी तबाही मचा देता है कि दूर दूर तक पता नहीं होती है क्या होगा। लेकिन उस भूचाल के बाद जब एक नया शहर आ जाता है या नई बस्ती वहाँ पे वजूद में आ जाती है, उसको पता होती है कि उस भूचाल की तबाही नहीं जाती है। अब उसी भूचाल से पहले की 88 हो, शायद उस भूचाल को लाने वालों ने भी कभी ये नहीं सोचा है कि ये लोग इंसान हैं। उनको मुझे लगता है दिल्ली में बैठ के ये लगता है ये बॉर्डर पोस्ट है। इस तरह उन्होंने सीमेंट के खंभे लगाए हैं या वो लोहे की तार लगाई है, उनको लगता है ये इंसानों की एक तार हमने बांधी है, लगेगी वहीं, जरूरत लगेगी स्टेटमेंट भी करेंगे और फूल भी चढ़ाएंगे। फिर जाके अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी आपको वादा देती है, ना आप बॉर्डर पोस्ट हैं, ना आप लोहे की तार हैं, आप इंसान हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। आपकी ये जो लड़ाई है, जैसे मीर साहब ने कहा, ये दिल्ली तक जाने वाली लड़ाई नहीं है कि दिल्ली में ही सब कुछ हल होगा। वो सरकारी किस काम की जो हर चीज़ कहते मैं दिल्ली से ही जाके करूँगा। दुआ करिए, मदद करिए, अगर कल को आपकी सरकार, अपनी पार्टी की सरकार आती है, यहाँ बैठ के मसला हल करेंगे, क्योंकि हम लोग जाएंगे। पाँव किसी के पकड़ने पड़ेंगे, हम करेंगे। मौका किसी को दिखाना पड़ेगा, हम दिखाएंगे। हम आपको उसके लिए नहीं लाएंगे, लेकिन आप ही अपना रोल निभाइए ना। क्योंकि जब सभी जमातों को तो आज तक आपने टेस्ट किया है, और वो सभी लीडर थे, हम नहीं ये कहते हैं कि वो लीडर नहीं थे। अब आम लोगों को, आप जैसे लोगों को करिए एक बार कोशिश। 72 साल तो हुए हैं ना, 5 साल का ही युवा खेलना है ना। मुझे नहीं लगता 72 साल जहाँ लोगों ने किए हो, मेरे को लगता है 3 जनरेशन तो हैं। 5 साल बहुत छोटी कॉस्ट है उसके मुकाबले में। एक बार जरा देखिए, वो तो हमें अपना सौदा बेचना नहीं आता। मैं आपको बड़ा खुल के बताऊंगा, यहाँ सब चलाते हैं, जोर जोर से चलाते हैं। कोई कहता है हमने 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, ये तो जनसंघ का 65 साल से नारा था। अरे भाई, हटा दिया, दिया क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को? हटा तो दिया आपने, हम भी मानते हैं आपने हटा दिया, कुछ दिया? पूछो लोगों, अगर दिया तो आप हमें करेक्ट करो, बोलो अल्ताफ बुखारी ये बात ना करो, हमें सब कुछ मिल गया। हटाना ही कोई कमाल नहीं होता है, लेकिन लोगों को क्या दिया वो दिखाओ। और मैं कहता हूं, जो इन्होंने लिया ढोल बाजे के बिना ही मैंने वापस लाया, मैं और मेरी जमात ढोल। हाँ, एक कीमत हमने चुकाई, हमने अपनी किरदार खुशी करवाई। कश्मीर में हमारे लोगों ने कहा एजेंट बन गए दिल्ली के, जम्मू वालों ने कहा यार ये कौन लोग, हमारी तो भाजपा यहाँ ही बैठी है, शायद माई बाप सोचा उनको। मैं कभी नहीं ये मानता हूं कि सियासत मजहब पे होती है। अगर सियासत मजहब पे होती तो आप खाड़ी के देशों में झगड़ा नहीं देखते, ईरान और इराक झगड़ा नहीं करते, फिर तो वो दोनों मुसलमान थे, उनको क्या लड़ना था। सियासत सियासत होती है, और जहां सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ये तो किसी को भी कुर्बान करने के लिए होता है। तो जम्मू कौन सी बड़ी बात है, क्या है, 2 सीटें पार्लियामेंट में, करो कुर्बान इनको। और वो कुर्बानी आप देते रहे, पहले कांग्रेस के नाम पे देते रहे हो, और अब भाजपा के नाम पे आप हथे चढ़ गए हो। कुछ भी हो, जब हम भी शाम को बैठते हैं
हम अपनी जगह दिमाग में ये कहते हैं यार बात तो सुनाई हमने, लेकिन आ जाएगा ना लास्ट में एक आदमी हवा की तरह आ जाएगा और आपको साथ ले जाएगा, जब आप तिनकू की तरह पीछे हवा के साथ उड़ जाओगे तो फिर मसले तो ऐसे ही रहेंगे मेरे भाई। हिम्मत करिए, मेरी पार्टी नहीं है, मेरे खानदान की पार्टी नहीं है, आप लोगों की पार्टी है, नाम ही इसका इसीलिए अपनी पार्टी है। करिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिलता है, क्यों नहीं हक देंगे, लेकिन अगर आपका साथ होगा, आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं है। मैं ये आपको बताऊं कि हम जी बहुत बड़े कुछ हैं, आप साथ दे देंगे तो हम दिल्ली को भी यहाँ से ये समझाएंगे हम कौन हैं, लेकिन जब आप नहीं होंगे तो हम कोई नहीं है, इसलिए आप साथ दीजिए, हम वोट के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपका मसला हल अगर आपको करना है, शायद आपको बेहतरीन वकील हमसे अच्छा नहीं मिलेगा।